प्रदेश में विकास की गाथा लिखने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,36,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी उनके परिवारों को फायदा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9,200 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हम इस धनराशि को वापिस लेने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित है। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के बड़े निवेश वाला उद्योग स्थापित किया गया है। देरा के लिए पुलिस जिला मंजूर किया गया है। देरा में लोक निर्माण विभाग का सर्कल तथा ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल, जबकि जयसिंहपुर के वीडियो ऑफिस को भी मंजूरी दी गई है। ज्वालामुखी के लुथान में सुख आश्रय ग्राम परिसर बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में बनने वाले 15 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में से 8 कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा।